इस वक्त हम अकेले रहना चाहते हैं। आपका फैसला आज से नहीं बल्कि बरसों से ही आपको अकेला खड़ा करता आ रहा है। चलो बेटा। पापा आप ही बताइए, बेटी को जबरदस्ती ससुराल से घर ले जाने वाली ये कौन सी रस्म है? हमें माफ कर दीजिएगा, लेकिन हम आपके साथ नहीं आ सकते। और पापा, माँ ने हमें जो सिखाया था उसका क्या? क्यों एक पल में भूल जाए सब कुछ? पापा, मायके से हमारी डोली उठ चुकी है और अब इस घर से हमारी अर्थी ही जाएगी। पापा, इस घर की बहू हैं हम। अरे तो क्या हुआ अगर सासू माँ ने हमें डांट दिया तो? आप एक बात बताइए, अगर उनकी जगह हमारी माँ होती और वो हमें सजा देती तब भी आप यही करते? हमें घर छोड़ने के लिए कहते? हमें माफ कर दीजिए, आप हमें घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि अब यही हमारा घर है और यही हमारा भविष्य है। मलकिन, इस घर की कमान आपके हाथ में है, लेकिन हम अपने सारे जीवन के अनुभवों के साथ कह सकते हैं कि आपकी ये बहू सबसे अच्छी साबित होगी। और अगर आज आपने इसे ठुकरा दिया तो सारी जिंदगी पछताएंगे आप। चलो अंदर। नहीं सासू माँ, हमें माफ कर दीजिए, आपके ऊपर इतने बड़े घर की जिम्मेदारी है, उसके लिए जो आपने नियम बनाए हैं वो हमारी गलतियों की वजह से मत तोड़िए। और आज जो आपको हमारी वजह से दुख पहुंचा है, हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। अब हम आपका कोई भी नियम नहीं टूटने देंगे। अब जब समर जी आ जाएंगे, हम उन्हीं के साथ गृह प्रवेश करेंगे। सासू माँ, अगर हमें पता होता कि समर जी कहाँ जा सकते हैं तो हम उन्हें जरूर ढूंढ लेते। माफ कीजिएगा सासू माँ, हमें इन रिवाजों के महत्व का एहसास है और हम इनका पूरे दिल से आदर करते हैं। चिंता मत कीजिए सासू माँ, वो भी आते ही होंगे। करे माँ, कैसे दूरिया पे कर नुमाइश लगाए है? कौनों कौनों तो गड़बड़ी बा। अंदर चलो। सासू माँ, हमको तो समझे ही नहीं आ रहा है कि कैसी है ये लड़की।
अब वो का चाहती है कि आप सास होके उके आगे चिरौरी विनती करें। अभी तो वही बात हो गई ना कि रस्सी जल जाए पर्यटन ना जाए। बताइए भला एक दिन की बहुरिया कोनो ऐसे करती है का? अपनी सास का कहना ना माने, ऊपर से अकड़ दिखाए और बेइज्जती करे वो अलग। ए बाबूजी, किसकी इतनी हिम्मत है कि हमारी अम्मा की बेइज्जती कर दिया? ढाई टंगरिया भी चीर देंगे। बलबल नहीं अम्मा, बेइज्जती करनी तो छोड़ो, कोई सोचे तो बताएं हम। बड़को, अगर इतना दिमाग ना तुम घर के मामले में लगाओ ना तो घर की हालत सुधर जाएगी। सासू माँ, मैं तो बस तुम तो सिर्फ अपनी तरफ ध्यान दो बड़को। और रही हमारी बेइज्जती की बात, तो हमारी बेइज्जती कोई नहीं कर सकता। दो दिन में अकड़ निकल जाए, हो सकता है उसके मन में रीत रिवाज के लिए सम्मान हो। अच्छा सासू माँ, पर सम्मान होता तो आपका कहा मान करूं, अंदर नहीं आ जाती महारानी? गिन्नी भाभी, आपको तो इतने साल हो गए शादी किए हुए, आप बड़ा अम्मा के मान सम्मान रखने का सलीका सीख गई हैं अब तक। वो तो कभी समझ में नहीं आएगा, यही तो अंतर है बहू और बेटी। बेटी माँ की हर धड़कन को पढ़ सकती है, लेकिन बहू कभी बेटी की भावना नहीं ला सकती। बार कह कह कर थक गए इनसे, लेकिन इनको इतनी सी बात अब तक समझ में नहीं आई। अरे गोरखपुर तो चीनी मिल का गढ़ है और घर में भी चीनी का ही कारोबार होता है, लेकिन ये है हमारी चाय में ही चीनी कम है। क्यों गिन्नी भाभी, हमको डाइटिंग करवाना चाहती हैं क्या आप? अब बेटा ससुराल में भले मुंह सीना पड़ जाए, लेकिन यहाँ तो छक के खाओ पी। मायके में लड़कियों को आजाद पंछी की तरह रहना चाहिए। और बड़को, आज से सवानों की चाय तुम अलग से बनाओ और आदर के साथ जाओ। रिमझिम के हाथों छोटकी बहू के लिए खाना भिजवा दो, तब से खाए पिए नहीं हो। जी सासू माँ। बलबल। हाँ माँ। छोटकी बहू दरवाजे पर खड़ी है, तुम्हारा भाई भाग गया है, तुम्हें कुछ चिंता है कि नहीं? अरे तुम्हारे बाबूजी ने अभिनंदन को फोन करके बोला है समर के बारे में पता लगाने के, तुम भी कुछ पता करो ना। हाँ माँ, देखते हैं। बलबल भैया। हेलो। जी भैया। बलबल भैया, समर तो नहीं मिला? और भैया वो तो पग फेरे पे गया था ना। क्या पग फेरा पूरा किया बिना गायब हो गया? भैया भैया मैं देखता हूँ, अगर मेरे घर गया हो तो। जी भैया भैया मैं पता करता हूँ। अजीब खर दिमाग का आदमी है। तो
छोटी चाची, हम लोग आपके लिए खाना लेके आए हैं। पर हमारा पेट तो भर गया। पर आपने तो कुछ खाया ही नहीं है। अब आप जैसे इतने प्यारे प्यारे बच्चे आकर अपनी चाची से खाने के लिए पूछेंगे तो पेट तो भर जाएगा ना। थैंक यू बेटा, मगर हम गृह प्रवेश के बाद ही खाना खाएंगे। आज आपकी चाची का व्रत है ना, इसीलिए। मेरी मम्मी तो सारे भगवान जी का व्रत रखती है, आज तो उनका किसी भगवान जी का व्रत नहीं है। बेटा ये भगवान जी की पूजा वाला व्रत नहीं है, ये रसम वाला व्रत है हमारी सासू माँ के लिए। दादी के लिए? क्या वो भगवान है? हाँ, मम्मी पापा भगवान जी से भी ऊपर होते हैं, इसीलिए तो गणेश जी ने अपने मम्मी पापा की परिक्रमा की थी। लेकिन दादी माँ आपकी मम्मी थोड़ी ना है, वो तो मेरे पापा की मम्मी है। वो हमारी मम्मी बन जाए इसीलिए तो ये व्रत रख रहे हैं हम। लेकिन आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हो छोटी चाची? बेटा हम आपके छोटे चाचू का इंतजार कर रहे हैं, जब वो आएंगे ना तो हम उन्हीं के साथ अंदर आएंगे। अच्छा आप दोनों हमारा एक काम करेंगे? क्या छोटी चाची? सर आप पता कीजिए कि आपके छोटे चाचा जी कहाँ हैं इस वक्त। घरे का शुरू से ही नियम है, यहाँ पर शादी ब्याह अपने साथ केवल और केवल बर्बादी लेकर आता है और कुछ नहीं। तमाशा बना है पूरे सूरज कुंड में हमारा, जैसे शादी नहीं ईजीए का जंजाल हुआ है, बवंडर मचा है मेरे पूरे घरे में। हम तो कहते हैं कि ब्याह शादी करना ही नहीं चाहिए, क्यों? सही ना, ब्याह बड़का। हाँ बे बोलेगा रे तुम, नहीं कहाँ है समर? तुम्हारे घर पे? उसके पास चाबी थी क्या तुम्हारे घर की पहले से? अच्छा हाँ ठीक। मम्मी समर चाचा कहाँ है? पता नहीं कहाँ लुक्का छुपी खेल रहे हैं तुम्हारे चाचा। और तुम और कोनो काम धाम नहीं है का जो ये जासूसी में दिमाग लगा रही हो? ठीक से करवाओ बाल, खौरा के बाल इधर उधर भगती रहती हो। मम्मी आप हमेशा मेरे बाल के पीछे पड़ी रहती हो, दुख रहा है। अरे रुको, बहुत बड़बड़ के जुबान चला रही हो, काबू रखो ई पे। मम्मी मैंने समर चाचा के बारे में पूछा तो डांट क्यों रहे हैं? काहे ना डांटे, आरी की तरह जुबान चल रही है तुम्हारी, बुआ लोगन से ही सीख रही है का? पता नहीं का गलत सलक सिखाती हैं। और रबड़ कहाँ रखी हो? ए रिमझिम कहाँ भाग रही है, बाल खौरा के भगती रहती है इधर उधर, पूरी अपने बाप पे गई है। देखिए केस फाइल करने से पहले ठंडे दिमाग से एक बार आप अच्छे तरह से सोच लीजिए। वकील साहब पहले ही बहुत इमोशनल ब्लैकमेलिंग झेल चुका हूँ, अब और जितनी जल्दी हो सके मुझे तलाक चाहिए, मैं ऐसे घुट घुट के नहीं जी सकता। ठीक, हम कोशिश करेंगे कि आपका यह मामला जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। इन पेपर्स पे अपने पत्नी के साइन करवा लीजिए। लीजिए चलता हूँ मैं। क्या हो गया है तुझे? कुछ नहीं हुआ, तुम लेक्चर देना मत छोड़ कर देना। तो कोई तुम्हें कुछ कहे भी नहीं है ना? उस वक्त तो सर पर मोड़ी बांध कर फेरे ले लिए और अब ये सब। मुझे फैसला लेने पर मजबूर किया गया, यही सब तमाशा करना था तो शादी किया ही क्यों? इस बात का बदला ले रहा सीए भाभी से। बहुत मजा आ रहा होगा ना तुम्हें मुझे गलत साबित करके। जिसके ऊपर बीतती है उसका दर्द सिर्फ वही समझ सकता। एक बार अपने आप को मेरी जगह पर रख के देख, फिर समझ में आएगा। तू कभी ऐसे बात नहीं करता समर, तू ऐसा नहीं था। ऐसा कभी हुआ भी नहीं था मेरी लाइफ में, सब कुछ उलट पुलट गया।
तेरी जिंदगी उल्ट पुलट हो गई। और भाभी उनका क्या? पहले तो त्याग और बलिदान की मूर्ति बनने के लिए शादी करने बैठ गए, अब शादी हो गई तो पछतावा हो रहा है। शाबाश, अब तलाक की तैयारी में जुट गए, जैसे शादी नहीं कोई मजाक हो। मजाक ही तो बन गया हूं। बड़को, ए बड़को। जी बाबू जी। बड़ी बहू, छोटी बहू की तबीयत ठीक नहीं लग रही, उसे अंदर लेकर आओ। वो तो अंदर नहीं आ पाएगी ना। काहे? वो काहे कि सासू माओ को मना की है, अब हमरी बात वो काहे मानेगी? वैसे भी हमरी बात सुनता ही कौन है, अब वो भी तो नजरअंदाजी करेगी ना बाबू जी। किसी के बारे में जाने बूझे बिना किस्सा कहानी नहीं करते हैं बड़को। किस्सा तो बन ही रहा है ना बाबू जी। अब समर बबुआ इस शादी को मंजूर ही नहीं कर रहे हैं, तो हम तो कहते हैं कि इस शादी तोड़ ही देना चाहिए। अब ऐसे रोज रोज बाधा आने का मतलब यही है कि भगवान जी भी नहीं चाहते हैं ना बाबू जी। इस शादी फलने उलने वाला नहीं है। कैसे अंधविश्वास वाली बातें करने लगी हो? ये दोष सोच का है। भगवान को दोष दे करके इंसान अपनी गलतियों पर पर्दा डालता है बस। बाबू जी माफ कीजिएगा, हम तो वही कह रहे हैं ना जो हमें ठीक लगा। अब आगे आपको जो ठीक लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर पता नहीं ब्याह कहां से कहां हो गया। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था अपने बेटे। समर, हम तो तुम्हें बहुत होशियार समझते थे बेटा, पर तुम भी ये भागने पराने रूठने मनाने जैसा बचपना करने लगे। नहीं अम्मा, आपके उम्मीद पालने की वजह से आज इस मोड़ पे खड़ा हूं, और आप इसे बचपना कह रहे। अब तक तो बच्चा ही था ना मैं, तो फिर ये अचानक बड़ा हो जाने की उम्मीद क्यों? और ऐसा बड़ा होने में भी क्या फायदा जब खुशी ही ना हो? मुझे बच्चा ही रहने दो अम्मा। दिमाग मत खराब कर सर, अब जो कुछ भी हो गया वापस लौट कर नहीं आए। घोड़े जैसे हो गए हो, तुम्हारी उम्र में लोगों की शादियां हो जाती हैं। अब नहीं शादी करोगे तो कब करोगे? अगले जन्म में करोगे शादी? ये तो जबरदस्ती वाली बात है ना भैया, आखिर मेरे भी कुछ सपने हैं। चढ़ा दीजिए उसकी बलि इस तरीके से। क्या क्या नहीं सोच रखा था। चाहता था कि पहले नेशनल टीम का हिस्सा बनूंगा, उसके बाद होगी शादी वादी। बेटा, पर तुम्हारी शादी हो गई है। लेकिन शादियां टूट भी तो जाती है ना अम्मा। का हाल बल बक रहे हो। ऐसी लाइफ मैंने सपने में भी इमेजिन नहीं की थी। कभी फेरे, कभी पग फेरे, तो कभी गृह प्रवेश। मुझे तो डर है कि कहीं फेरों के फेर में मेरी जिंदगी ही ना खत्म हो जाए। मैं ऐसी उलझी हुई लाइफ नहीं जी सकता। मैं फैसला कर चुका, मैं उसे तलाक तलाक बना। बहुरा गए हो क्या? अरे साथ फेरे ले लिए, मांग में सिंदूर डाल दिया, और अब कोई लेना देना नहीं। शादी है, कोई हंसी ठट्ठा नहीं। ऐसे कैसे दे दोगे तुम? अम्मा तलाक के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है मेरे पास। गलती हुई है, मुझे उस दिन शादी करनी नहीं चाहिए, लेकिन इस गलती को मैं अब यहीं सुधारूंगा। जब तक मुझे तलाक नहीं मिल जाती और जब तक वो लड़की उस घर में है, तब तक मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। पगला है कारे,
तुम कब से कुछ बोल नहीं रहे, कुछ भी बकाए जा रहे हो। कब से तुम्हारी नाटक की नौटंकी सुन रही है। समर, इससे पहले कि हमारा दिमाग खराब हो, चल करता। चल। नाटक वो था भैया जो वहां पे मेरे साथ हुआ, और ये वो सच है जिसे आप पहचान नहीं पा रहे। मैंने वकील से बात करी है, मैंने इन पेपर्स पर साइन कर दिया है, और वकील ने बोला है कि इस पे सिर्फ सिया का साइन होने के बाद वो हमारा डिवोर्स जल्द से जल्द करवा देगा। ये क्या बकवास है,